Semester examinations. तनिषा तीसरा क्वेश्चन किल निकल बता दे यार. अरे यार सर पानी पीने जाऊं? जाओ जाओ. अरे ओए, अरे भाई तेरी रोजी रोटी तो यही रहेगी, इसके बिना तेरा घर कैसे चलेगा? देखो कब कौन भगवान बन जाए पता काहे नहीं चलता. अरे भैया आगे, भैया आगे, भैया 32-33 MCQ 33-33 32-36 छे तो खाएंगे. अरे किल निकल भैया. अरे लिख दे पास हो साहब. यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स ऑल आर पास. याद आए ये पल. ख्वाब का था, ख्वाब नशे में, नशा इन 4 साल का था. सफर ये बीत गया, कुछ छापे छोड़ी है, इस प्यारे से मंजर ने बहुत सी यादें जोड़ी है. इंटर्नशिप पीरियड. सुरेश, रमेश, अरे क्या कर रहा है तू आजकल? अरे यार मेरा तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यार, तेरा बता यार तू. अरे कुछ नहीं यार, IIT कानपुर से बीटेक किए थे, ससुरी का नाती MNC में जॉब लगा था. हेलो, हाँ सेक्रेटरी साहब, एक काम करो, एतिहाद में 2 टिकट बुक कर दो बिजनेस क्लास. उका है का अमरीसोन परी को सिंगापुर में सोमनाथ का मंदिर का दर्शन करना है. अरे हट बुड़बक, हमारी सनफ्लावर को फर्स्ट क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास. ये जो है हमारी मोगरे की कली, वांट लग्जरी, लेट्स गो पेपिडॉल. चले यार, अरे ये मिलीमीटर किलोमीटर कब बन गया? अब चलते हैं किताबों से असलियत की दुनिया में. नमस्कार डॉक्टर साहब. समस्या बताइए अपनी. के बताऊं डॉक्टर साहब, ये कार जे में मेरे आग जगह पड़ी. अच्छा क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब मैं कोई खानो खायो तो भी यहाँ ते कोई जगन वाली वस्तु गई भी मेरे पेट में, बा हमें पड़ी जगह पड़ी थे, कोई दवाई लिखो. हाँ डॉक्टर साहब कई दवाई लिखो थी, बाय पेंटाप और रेंटीन तो लिखी हुई मती थी, जित जाऊं 2 दवाई पकड़ान छोड़ दो थी, थाने में घनो फायदो है कि थे यो करो एक्सरे कर दो, कोई मैं खाने रहा थे कोई जगन वाली वस्तु पेट में खा ली है, बा हमें जगह पड़ी थे एक्सरे करो. मैं आपको एक गुलाबी रंग की सिरप लिख के दे रही हूँ, आप ये लीजिएगा. कई दवाई की बात करो डॉक्टर साहब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे लिखी हो मत, मेरे घरे पड़ी भी हूँ, आग बुझे को ना थे एक्सरे कर दो, थोड़े घरों कोई भैया थोड़ी लागे. डॉक्टर मैं हुई आप, आपसे वो अपनी समस्या बताइए. अरे डॉक्टर साहब थे हम जो को नहीं हो, खानो खो तभी बाद में धूप को लागे, हो तभी बाद में नींद को आवे. ये समस्या तो आपकी भगवान भी ठीक नहीं कर सकता. हैंग डॉक्टर रेडा ही है, जकीले को मालिक दो थे. ट्रिंग ट्रिंग. हेलो जी सर. डॉक्टर जी सर, 5 बेड बुक हो जाने चाहिए आज मेरे नाम से. 5 बेड? हाँ.
अभी कोविड चल रहा है सर, लोग मर रहे हैं। मर रहे हैं तो मरने दे, पांच मतलब पांच। जी सर, जी सर। और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी। 10? हाँ 10। ठीक है सर, हो जाएगा हो जाएगा। सर, ये तो इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स की दिक्कत हो या कोई भी कमी, हमारे डॉक्टर्स हमेशा कैसे ना कैसे करके मैनेज कर ही लेते हैं। सर, ये तो इंक्वायरल हर्निया का केस लग रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वो तो मैच देना। सर, मैच तो नहीं है। तो ग्लू ही दे दे यार। सर, ग्लू की तो सप्लाई नहीं है। तो सूचर लेने की तैयारी करो। सर, अगर सूचर लेंगे तो पेशेंट को क्रॉनिक पेन हो सकता है। अब हमें कम पेन में काम करना है, एडजस्ट करना है सिचुएशन में। जी सर, गलती चाहे किसी की भी हो, हमेशा ब्लेम कौन किए जाते हैं? डॉक्टर्स। वो देखो डॉक्टर साहब, वो कहीं कर दिए थे, वो क्या हो गया पेशेंट ने, देखो दे कहीं हो गया, वो कहीं लिख दिया है, वो देखो पर्ची, पर्ची दो, लो लिखी तो है, दो दवाइयाँ क्या लिखी है, फिर दवाई लिख दो, तो जो बीमारी है वही दवाई तो लिखेंगे। आवाज ऊंची क्यों करो थे, पर हमें क्या, आप एक पड़ी नहीं सारी डॉक्टरी अड़ी धरी रह जाएगी। ओए बंदा क्यों बुलाओ थे, अभी मैं बुलाऊं, निकल निकल यहां से निकल। ये तो बस छोटी सी दिक्कतें हैं मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर अब तक लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और कोविड जैसों को मार गिराएंगे। तबियत बिगड़ जाए या कोई दवाई हो जो गलत लग जाए तब? देखो नहीं, ये पांच चीज हमारे पास होना चाहिए, फिर मरीज का कुछ नहीं बिगड़ सकता।
क्या पांच चीजें? बेक्सोना, एट्रोपिन, इबेल, फिनार्गन। अच्छा, अगर मरीज फिर भी बिगड़ जाए तब? ऐसा तो एमबीबीएस से भी बिगड़ जाता है। देखिए, ऐसे अगर आपकी तरह गांव-गांव में डॉक्टरी करने लग गए ना तो हो गया फिर। अखबारों में आता है ना जैसे झोला छाप डॉक्टर, आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप